हे एवरीवन, आई एम मीना भारद्वाज एंड वेलकम टू द लुमिनेंट आईएएस एकेडमी। सो ये नेक्स्ट पार्ट है हमारी वीडियो का, मिडिवल हिस्ट्री का। इससे पहले हम 12 लेक्चर्स बना चुके हैं, आई होप कि आपने देख लिए होंगे, पर अगर अभी तक नहीं देखे हैं सो प्लीज़ वॉच दैम। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो हमारा 13 लेक्चर होगा। इससे पहले हमने सूफिज़म पढ़ा था एंड वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था, भक्तिज्म एंड सूफिज़म। नेक्स्ट जो पार्ट है, क्योंकि हम डिले करके आए हैं तो ऑब्वियसली रीज़न है कि अगला जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा, इसीलिए हमने टाइम लिया है। क्योंकि इसी हमारी कोशिश होती है कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कर सके और जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सके वो देने की कोशिश करते हैं। एंड अगर कुछ छूट जाता है तो वो हम आपको क्वेश्चंस में प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू। तो आप उसे ज्वाइन कीजिए एंड वहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सोल्व कीजिए। उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ओके। तो प्लीज़ ज्वाइन दैट चैनल, क्योंकि वहाँ पे हम पीडीएफ भी अपलोड करने वाले हैं क्वेश्चंस की भी एंड जो हमारे नोट्स होंगे उनके भी। तो यहाँ पे जो हम आज करेंगे, नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए भी टाइम लगा है। तो विजयनगर और बहमनी, सी दिल्ली सल्तनत से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम कहें कि हमारी पिछली वीडियोज़ जितनी थी उससे उसका वो सारी एक तरफ और ये एक तरफ है तो ये गलत नहीं होगा। एंड इसमें सिर्फ यूपीएससी में ही नहीं, इवन बाकी सारे एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये एक्चुअली में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड इस एक लेक्चर में आपको विजयनगर के बारे में या हम कहीं बहमनी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो अगर आप स्किप करते हैं तो आपको दोबारा ऐसे इन्फॉर्मेशन शायद ही एक लेक्चर में मिले, आई कांट से अबाउट दैट। सो प्लीज़ डोंट स्किप इट एंड इसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत टफ पार्ट है ये मिडिवल हिस्ट्री का एंड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। सो ट्राई करेंगे इसे ईजी बनाने की, इसे पढ़ने की, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे मेन हम जो पढ़ते हैं विजयनगर के बारे में कि विजयनगर किंगडम या बहमनी किंगडम क्या था। तो विजयनगर अगर किंगडम की बात करें तो ये दोनों किंगडम ऐसे थे, विजयनगर और बहमनी, जिन्होंने विंध्यास पे या हम कहें डेक्कन पे 200 साल राज किया। इम्पोर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि दिल्ली सल्तनत सी इंडिया में आ चुकी थी, या हम कहें वेस्टर्न जो इन्वेडर थे या वेस्ट से लोग आ चुके थे और उन्होंने दिल्ली में राज करना शुरू कर दिया था, नॉर्थ इंडिया में, मिडिल इंडिया में राज करना शुरू कर दिया था। और उस टाइम पे एक हिंदू डायनेस्टी या कोई और किंगडम का उभर कर आना या इंडिपेंडेंस खुद को साबित करना ये बहुत बड़ी बात थी, और 200 साल उस टाइम पीरियड पे राज करना। तो इसीलिए भी ये इम्पोर्टेंट है, इनका आर्ट, इनका कल्चर, इनका यू नो स्प्लेंडिड बिल्डिंग्स, या हम कहीं इनका टेम्पल स्टाइल, या बहुत सारी चीज़ें हम इनके बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे इनकी कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक, इकॉनमी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनकी। एंड उसके अलावा हम टेम्पल स्टाइल के बारे में पढ़ते हैं जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो सी अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो ये चार डायनेस्टीज़ में डिवाइड है। सबसे पहली थी संगम डायनेस्टी, तुलुवा सलुवा सेकेंड नंबर पे, तुलुवा थर्ड डायनेस्टी, फोर्थ की अगर हम बात करें वो थी अराविडु। तो सबसे पहले हम इसे फोर डायनेस्टीज़ में डिवाइड करते हैं, और संगम डायनेस्टी से ही विजयनगर की शुरुआत हुई। जिन्होंने संगम डायनेस्टी को फाउंड किया था वही एक्चुअल में फाउंडर थे किसके, विजयनगर सिटी के, ओके। तो फोर डायनेस्टीज में डिवाइड करते हैं, जो सबसे पहली है वो है संगम, सेकंड जो हम पढ़ते हैं सलुवा, थर्ड हम पढ़ते हैं तुलुवा, फोर्थ हम पढ़ते हैं अराविडु। ओके, संगम डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे हरिहरा वन एंड भूका वन। हरिहरा वन एंड भूका वन सलुवा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे सलुवा नारसिम्हा। सी इनके नाम सेम है, सो डोंट बी कंफ्यूज। तुलुवा की अगर हम बात करें तो वो थे वी नरसिम्हा। फोर्थ की अगर हम बात करें अराविडु, तो तिरुमाला उनके फाउंडर थे, तिरुमाला। यस, नेम थोड़े कंफ्यूजिंग है और यही इसका टफ पार्ट है कि आपको ये चीजें याद रखनी है। तो संगम डायनेस्टी, हरिहरा वन
एंड बुक्का वन, इन्होंने ही विजयनगर को फाउंड किया था। तो ये रियल फाउंडर भी थे संगम के भी और विजयनगर डायनेस्टी विजयनगर के भी। नेक्स्ट सलुवा डायनेस्टी, उसके सलुवा नरसिम्हा फाउंडर थे। थर्ड अगर हम बात करें तुलुवा वीर नरसिम्हा अरावीडू के थे जो तिरुमाला थे। थर्ड की अगर हम बात करें तुलुवा वीर नरसिम्हा के बाद जो आए थे कृष्णदेव राय, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर जिन्होंने खड़ा किया था विजयनगर का वो थे कृष्णदेव राय। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि हम एक या दो डायनेस्टी करके अगली डायनेस्टीज को स्किप कर सके। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं संगम डायनेस्टी के बारे में। ओके, इसका जो टाइम पीरियड है विजयनगर का वो 1336 से लेके 1670 या 72 तक काउंट किया जाता है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया टाइम पीरियड एग्जैक्ट रिट्रीव करना या हम कहें कि निकालना पॉसिबल नहीं होता है हिस्ट्री के सोर्सेज से, क्योंकि इसी बहुत टाइम लगता है एक रूलिंग या रूलर या हम कहें कि सल्तनत को बिगड़ने में या बनने में, तो उसका एग्जैक्ट टाइम काउंट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो कई बार 1 से 6 महीने लग जाते हैं, तो इसीलिए भी रीज़न होता है कि टाइम थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो इसका 1336 से 1670 एक जगह दिया हुआ और एक जगह 72 तक इसका टाइम पीरियड दिया हुआ। इसका टाइम पीरियड हम बेसिकली मान लेते हैं कि 1670 या अप्रोक्सीमेट 72 तक ये टाइम पीरियड था विजयनगर किंगडम का। ओके, तो यहाँ से अगर हम शुरुआत करें विजयनगर की, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हरिहरा एंड बुक्का के बारे में। हरिहरा वन एंड बुक्का वन, उनके बाद वन इसलिए दिया गया है क्योंकि जो उनके बाद रूलर आए उन्हें बुक्का टू या हरिहरा टू के नाम दिए गए थे, तो इसलिए वन लिखना बहुत ही ज़रूरी है। और आपसे क्वेश्चन अगर आए तो वहाँ पर भी आपको वन अगर दिया हो तो ही आप उसे टिक करेंगे या करेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि विजयनगर आखिर बना कैसे या फाउंड कैसे हुआ, तो यहाँ से आपकी नेक्स्ट स्टोरी शुरू होती है। तो एक्चुअली ये दोनों ब्रदर थे हरिहरा वन एंड बुक्का वन, ये 5 ब्रदर थे, उनमें से 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये सर्व करते थे या हम कहीं फ्यूडेटरी या ग्रांटीज थे। किसके अंडर? काकातियाज के अंडर। काकातियाज कहाँ पर रूल कर रहे थे? वारंगल में। तो ये एक तरह से इन्हें बाद में क्या किया, चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था। किसका? कंपिली का। जो कंपिली थी वो कर्नाटक का पुराना नाम था, वहाँ पे इन्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। उनके बाद इन्हें कैद कर लिया जाता है और कैद करने के बाद इन्हें क्या किया जाता है, इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। देन इनके गुरु होते हैं, ये उनके पास जैसे ही जाते हैं उनसे शिक्षा लेने के बाद ये फिर से हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड देन खुद को इंडिपेंडेंट साबित घोषित कर देते हैं एंड फिर ये शुरुआत करते हैं विजयनगर शहर की, जो कि एक बहुत ही शानदार हम कहें किंगडम था। और उसके बारे में आगे हम उनके सोशो कल्चरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनमी के बारे में पढ़ते हैं। वहीं अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की इसकी बात करें तो इनके बारे में जो मिलते हैं लिटरेचर, आर्कियोलॉजिकल या हम कहें न्यूमिस्टिक यानी सिक्के, जो इसके सोर्सेज है, मेन सोर्सेज तो है ही, लाइक लिटरेचर हो गया, आर्कियोलॉजिकल हो गया, न्यूमिस्टिक्स हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है वो इसका एक मेन सोर्स है कि हमें विजयनगर के बारे में आखिर पता चला कैसे। तो वही है कॉपर प्लेट। कॉपर प्लेट में भी एक सबसे इंपॉर्टेंट थी श्रीरंगम कॉपर प्लेट, जो कि एक देवराय संगम डायनेस्टी के ही थे। देवराय टू के टाइम पीरियड की श्रीरंगम कॉपर प्लेट है, उसके बारे में हमें, इसके विजयनगर के बारे में, इनके जेनेलॉजी के बारे में, इनकी अचीवमेंट या हम कहें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है। वही अगर हम इनका लिटरेचर की बात करें तो बहुत ही फेमस लिटरेचर रहा है एंड बहुत से ट्रैवलर्स आए हैं, पर्शियन ट्रैवलर, पोर्तुगीज ट्रैवलर्स इस टाइम पे आए हैं। अगर हम कुछ लिटरेचर वर्क की बात करें तो कृष्णदेव राय की थी अमुक्तमल्यदा, कृष्णदेव राय की अमुक्तमल्यदा मैं आपको करवाऊंगी, अभी ये थोड़ा सा आपको एक रिकैप है। देन गंगा देवी की थी मधुर विजयम एंड देन नेक्स्ट पढ़ते हैं पेदानास या अलासानी पेदानास की मनुचरितम, बहुत ही फेमस लिटरेचर उस टाइम की रही है। अगर हम कुछ ट्रैवलर्स की बात करें तो मोरक्को के इबन बतूता से लेके निकोला दी कोंटी या अब्दुल रज्जाक जो कि पर्शियन थे, उसके बाद अगर हम बात करें डोमिंगो पेस या हम कहें नूनीस, तो उस टाइम के बहुत ही फेमस ट्रैवलर रहे हैं जो कि उस टाइम पे आए हैं। सी मैंने आपको बताया कि जैसे कि पोर्तुगीज़ आने शुरू हो गए थे 1498 में, वास्को दिगामा पोर्तुगीज़ जो फर्स्ट पोर्तुगीज़ आए थे कैलीकट में आए थे, तो उस टाइम भी इन्हीं डायनेस्टी में थे, यही डायनेस्टीज थी जो वहाँ पे रूल कर रही थी, नॉट संगम, आई मीन अगली डायनेस्टीज, क्योंकि फर्स्ट तो हमारी 1300 में ही स्टार्ट हो गई थी। ओके,
तो यहाँ पे अगर हम बड़े, जैसे कि मैंने आपको बताया हरिहर वन्ना एंड वन एंड बुक का वन के बाद से हम पढ़ते हैं, एंड इसके साथ ही आप पढ़ सकते हैं कि हरिहरा वन एंड बुक का वन किसके अंडर थे, काकातियास के अंडर इन्होंने सर्व किया जो कि वारंगल में रूल कर रहे थे। ओके, एंड देन ये चीफ मिनिस्टर बनाया गया था कंपिली यानी कर्नाटक का। तो कंपिली किसका नाम था? कर्नाटक। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो उसी टाइम पे होए साला रूलर जो कि मैसूर के रूलर थे, उन्होंने भी खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। एंड दूसरे मदुराई के सुल्तान थे, उन्होंने भी खुद को इंडिपेंडेंस मतलब करने की कोशिश की थी या खुद को अनाउंस कर दिया था कि मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ। तो उस टाइम पे क्या हुआ, ये आपस में ही टकराने शुरू हो गए, एंड उसका रिजल्ट क्या निकल के आया कि वो आपस में हार गए, एंड जो विजयनगर के जो फाउंडर थे उन्हें विजयनगर को फैलाने में काफ़ी हेल्प मिल गई, क्योंकि जो मदुराई के सुल्तान थे वो काफ़ी एम्बिशियस थे, वो होयसाला रूलर पर यानी मैसूर के जो रूलर थे होयसाला उन पर अटैक कर देते हैं, एंड वो हार जाते हैं, और उससे क्या होता है कि जो विजयनगर होता है होयसाला किंगडम को भी अपने में मिला लेता है। मदुराई के साथ भी अगर हम विजयनगर की बात करें तो काफ़ी टाइम तक इनका, हम कहीं 4 दशकों तक यानी 40 सालों तक इनका एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है, इनके साथ डिस्प्यूट रहा है। बाद में इन्होंने मदुराई को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वो भी एक लिटरेचर वर्क में हमें पढ़ने को मिलता है मदुराई के बारे में। वही बाहमनी किंगडम के साथ भी इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, दोआब रीजन जो रायचूर दोआब यानी हम कहें कृष्णा गोदावरी या तुंगभद्रा रिवर का जो डेल्टा जो पार्ट था या हम कहें फर्टाइल जो एरिया था उसके ऊपर भी बाहमनी किंगडम और विजयनगर किंगडम में आपस में डिस्प्यूट चलता रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा था काफ़ी लंबे टाइम तक। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं एक तरह से इनकी नेक्स्ट, इनके बाद कौन आया, एक छोटा सा हम बहुत ही जल्दी इसको कवर करते हैं कि हरिहरा वन के बाद कौन आया एंड बुक्का वन के बाद कौन आया, एंड देन हम इसका विजयनगर का जो बाकी पार्ट होगा वो करेंगे। तो आई थिंक आपको यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा हमारी चार डायनेस्टीज एंड उनके फाउंडर के बारे में। सो इम्पोर्टेंट है ये, प्लीज़ कवर दीज। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे पहले हरिहरा वन संगम डायनेस्टी के आए, उसके बाद जो आए थे वो थे बुक्का वन। उनका मेन या मेजर रोल कहाँ पे आता है, यस फाउंडर तो थे ही और हरिहरा वन के बाद जो रूल करते वो बुक्का वन थे, एंड उन्होंने क्या किया था, विद्यानगर नाम था उसे बाद में चेंज करके क्या रख दिया था, विजयनगर। तो बुक्का वन ने ही विजयनगर से, विद्यानगर से जो नाम चेंज किया था विजयनगर का वो बुक्का वन ने ही किया था। फिर बुक्का वन या हम कहें कि हाँ बुक्का वन को जो सक्सीड किया था उनके सन ने किया था और उसका नाम था हरिहरा टू। तो सबसे पहले आए हरिहरा वन, बुक्का वन, एंड उनके बाद उनके सन थे हरिहरा टू। हरिहरा टू, सी वन और टू, इसलिए आपको याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो थे देवराय वन, इनके बाद थे देवराय वन। ये बुक्का वन के ही तीसरे बेटे थे देवराय वन, एंड उनके बाद जो आते हैं वो आते हैं देवराय टू। ये ग्रैंडसन थे। जो देवराय वन थे वो सन थे हरिहरा टू के, एंड देवराय टू थे जो वो ग्रैंड सन थे किसके, हरिराय हरिहरा टू के। सो डोंट बी कंफ्यूज, बुक्का हरिहरा वन एंड बुक्का वन, बुक्का वन के सन थे हरिहरा टू, उनके जो बेटे थे देवराय वन, एंड जो उनके ग्रैंड सन थे या हम कहें देवराय के बेटे थे लेकिन हरिहरा के ग्रैंड सन थे वो थे देवराय टू। ओके, इनका जो मेजर रोल है ज़्यादा नहीं है लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि इन्होंने तो नाम चेंज किया था विद्यानगर से विजयनगर कर दिया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हरिहरा टू, हरिहरा टू का भी ज़्यादा नहीं पढ़ने को मिलता है, इसके बाद हम पढ़ते हैं देवराय वन। उन्होंने उनका एक मेजर अचीवमेंट्स आती है इरिगेशन सिस्टम में, डैम्स में, तो देवराय वन थे जिन्होंने इरिगेशन सिस्टम सिंचाई, सी एग्रीकल्चर इनका मेन ऑक्यूपेशन था। ओके, सो ये चीज़ें बहुत ही कॉमन थी वहाँ पे, इरिगेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें डैम्स, तुंगभद्रा रिवर पर डैम्स बनवाए, कैनाल्स बनवाए, वो किसने बनवाए थे, देवराय वन ने। अगर हम देवराय टू के, अच्छा इसी टाइम पे एक ट्रैवलर आए थे निकोला दी कोंटी। अगर आपसे पूछा जाए
कि निकोला दे कोंटी किसके टाइम पे आए थे, तो वो आए थे देव राय वन के टाइम पे, ये ट्रेवलर थे निकोला दी कोंटी, निकोला दी कोंटी ट्रेवलर थे, किसके टाइम पे आए थे देवराय वन के टाइम पे। देवराय वन ने इरिगेशन सिंचाई डैम बांध तुंगभद्रा रिवर पर कनाल्स ओके ये बनवाए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें देवराय टू की बात करें तो वो ग्रैंड सन थे ओके एंड एम्प्लॉइंग इन्होंने क्या किया था, जो मेन इनका था इन्होंने मुसलमानों को एम्प्लॉयमेंट दी थी, यानी जो मुस्लिम्स थे उनको एक तरह से अपना एम्प्लॉयज बनाया था, उन्हें आई मीन सर्विसेज देनी शुरू कर दी थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनका रोल आता है कि इन्हें एक नाम था गजा बेट करा, गजा बेट करा यानी जो हंटर ऑफ एलिफेंट, गजा बेट का नाम किसे दिया गया था, वो दिया गया था देवराय टू को ओके। तो यहाँ पे हम लिखते हैं गजा बेट का यानी हंटर ऑफ एलिफेंट, हंटर ऑफ एलिफेंट्स, हंटर ऑफ एलिफेंट्स। तो ये किसे कहा गया है, देवराय टू को। एम्प्लॉयज किस मुस्लिम एम्प्लॉयज बनाए थे, वो भी देवराय टू ने ही बनाए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्हीं को प्रोड देव राय कहा गया है, प्रोड देव राय कृष्ण देवराय टू को प्रोड देव राय, प्रोड देव राय। ओके नेक्स्ट अगर हम इन्हीं की बात करें तो दिंडिमा, दिंडिमा नाम के कोर्ट पोएट थे, वो किसके कोर्ट पोएट थे, वो थे देवराय टू के, दिंडिनामा, दिंडिमा, दिंडिमा किसके कोर्ट पोएट थे, कृष्णदेव सॉरी देवराय टू के। सी कंफ्यूज मत होना, एक कृष्णदेव राय पढ़ते हैं, एक हम देव राय पढ़ रहे हैं, तो ये नाम बेशक सिमिलर हो के वीर नरसिम्हा, और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सुलोवा नरसिम्हा, लेकिन इनका कोई मैच नहीं है, ये अलग अलग थे फाइन। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दिंडिमा जो कि कोर्ट पोएट थे, किसके थे देवराय टू के कोर्ट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब्दुल रजाक विजिट किया था, पर्शियन ट्रैवलर थे अब्दुल रजाक, वो किसके टाइम पे आए थे देवराय टू के टाइम पे ही आए थे अब्दुल रजाक, पर्शियन थे ओके। मुस्लिम को एम्प्लॉय बनाया था इन्होंने, एम्प्लॉयमेंट दी थी, प्रोड देव राय कहा गया है इन्हें, गजा बेट का यानी हंटर ऑफ जो एलिफेंट्स का शिकार करते थे। नेक्स्ट दिंडिमा कोर्ट पोएट थे, इन्हीं के कोर्ट पोएट थे दिंडिमा नाम से, एंड अब्दुल रजाक पर्शियन जो कि विजिट किया था उस टाइम पे, एक ट्रैवलर थे, वो किसके टाइम पे देवराय टू के टाइम पे ओके। तो ये सब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एंड इसके बाद जो हमारी आती है वो नेक्स्ट डायनेस्टी आती है, फर्स्ट हमने पढ़ा संगम हरिहरा वन बुक्का वन जो कि फाउंडर थे विजयनगर के, उसके बाद हरिहरा वन के बाद बुक्का वन जो कि विद्यानगर से नाम चेंज करके विजयनगर रखते हैं। देन आते हैं नेक्स्ट उन्हीं के बेटे हरिहरा टू, देन हरिहरा टू के जो बेटे होते हैं देवराय वन एंड देवराय टू, देवराय उनके बेटे होते हैं सॉरी ग्रैंड सन होते हैं जो कि आगे संभालते हैं, उनका रोल इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्हें अच्छा देवराय वन क्या करते हैं इरीगेशन डैम्स कनाल्स वगैरह का रोल उन्हीं के टाइम पीरियड पे हुआ था, अगर आप मेंस में लिखते हैं या इवन प्री में भी क्वेश्चन आता है तो आप इसे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देवराय टू मुस्लिम्स को एम्प्लॉय, प्रोड देवराय, गजा बेट का, दिंडिमा एंड अब्दुल रजाक का नाम जो आता है वो देवराय टू से ही जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट जो हम पार्ट करेंगे अब इसके बाद यहाँ पे संगम डायनेस्टी तक का हम पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सुलुवा डायनेस्टी के बारे में। नेक्स्ट हमारी जो सेकंड डायनेस्टी थी वो थी सलुवा डायनेस्टी।
अगर हम इसकी बात करें, सलुवा डायनेस्टी की अगर हम बात करें, तो उसमें जो हमारे सबसे पहले आते हैं वो थे सलुवा नरसिम्हा। इनका टाइम पीरियड था 1486 से लेके 91 तक से टाइम पीरियड, तो आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि सबका याद रखना पॉसिबल नहीं है। 1486 से 91 का था, और जो स्टार्टिंग के थे हमारे उनका 1336 से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट जो हम एक इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ते हैं कि इनके बाद कौन आया, इनके बाद जो आए थे वो थे तिरुमल एंड इमादी नरसिम्हा। तिरुमल एंड इमादी नरसिम्हा, इनके बाद आए थे तिरुमाला एंड इमादी नरसिम्हा। सलुवा नरसिम्हा फाउंडर थे सलुवा डायनेस्टी के, उनके बाद आते हैं तिरुमाला एंड इमादी नरसिम्हा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये वो दोनों वही थे जो कि कैलिकट में उस टाइम हम कहें कि जब वास्को दिगामा 1498 में आया था तो ये रूल कर रहे थे, एंड उस टाइम पे अगर रीजेंसी अगर हम कहें किसकी थी तो वो इन दोनों की ही थी। कौन थे? तिरुमाला एंड इमादी नरसिम्हा। ओके, तो एक तरह से इमादी का असासिनेशन किया था जो नेक्स्ट रूलर यानी हम कहें कि तुलुवा जो डायनेस्टी के थे उन्होंने इन्हें मार दिया था और खुद अगली डायनेस्टी शुरू कर दी थी। तो यहाँ तक हम इनका रोल पढ़ते हैं कि इन्हीं के टाइम पे वास्को दिगामा 1498 में भारत में कैलिकट में आए थे। ओके, तो उस टाइम कौन सी थी? तिरुमाला एंड इमादी नरसिम्हा। नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं वो आती है हमारी जो तुलुवा डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमने पढ़ी सलुवा डायनेस्टी, तो यानी तिरुमाला एंड इमादी नरसिम्हा अगली डायनेस्टी शुरू होने से पहले कौन रूलिंग में थे? तो ये दोनों थे। इनके असासिनेशन के बाद अगले आते हैं वो थे तुलुवा यानी वीर नरसिम्हा जो कि अगली डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं। तुलुवा, वो सलुवा थी और ये है तुलुवा। इसके जो फाउंडर थे वो थे वीर नरसिम्हा। ओके, तो ये नेक्स्ट डायनेस्टी चलाते हैं 1505 से लेके 9 तक का, 1505 से लेके 9 तक का इनका टाइम पीरियड है। एंड उसके बाद एक तरह से इनको फाउंडर ही माना गया है, इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। इनके बाद जो हम पढ़ते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है या बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी विजयनगर का, वो है कृष्णदेव राय। ओके, तो कृष्णदेव राय जब ये फाउंड कर देते हैं तो जो इनके एडवाइज़र कहे या हम कहें चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो जो इनके ब्रदर होते हैं, उनको थ्रोन पर बैठा देते हैं, सिंहासन पर बैठा देते हैं। जो अगले वीर नरसिम्हा के बाद तुलुवा डायनेस्टी के जो रूलर होते हैं वो होते हैं कृष्णदेव राय। एंड उनके बारे में फिर हम पढ़ते हैं जो कि बहुत एक महान हम कहें रूलर्स में से एक रहे कृष्णदेव राय। तो इनके बाद इनके ब्रदर आते हैं, भाई आते हैं जो कि होते हैं कृष्णदेव राय। सी, जो हमने फर्स्ट डायनेस्टी में पढ़ा देव राय, उनका इनसे कोई कनेक्शन नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट है कृष्णदेव राय। ओके, तो इनका टाइम पीरियड 1509, इनका टाइम पीरियड इम्पोर्टेंट है, 1509 से लेके, क्योंकि इनका 1509 तक था, 1509 से लेके 1530 तक माना जाता है, 29 या 30 तक इनका टाइम पीरियड माना गया है कृष्णदेव राय का। ओके, तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये बहुत ही फेमस रूलर रहे हैं, एंड विजयनगर को एक स्ट्रॉन्ग बनाने में इनका सबसे इम्पोर्टेंट या मेजर रोल रहा है। इनके अगर हम फीचर्स की बात करें तो इन्होंने पोर्तुगीज़ के साथ एक बहुत अच्छे रिलेशन बनाए थे, और उनमें से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्तुगीज़ की अगर हम बात करें बहुत फेमस नाम है तो वो है एल्बकरीक। आप इसे एल्बरीक या फिर आप कह सकते हैं एल्बकरीक के नाम से ये जाना जाता है। तो ये बहुत ही फेमस पोर्तुगीज गवर्नर थे। आपसे पूछा जाए किसके टाइम पर आए थे, इनके साथ अच्छे रिलेशनशिप विजयनगर के किस रूलर ने बनाए थे, तो वो थे कृष्णदेव राय। ओके, तो ये थे एल्बकरीक। एंड नेक्स्ट अगर हम इनके बारे में पढ़े तो विजयनगर स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने में कृष्णदेव राय का एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है।
उसके बाद अगर हम उनकी एबिलिटीज़ की बात करें तो उनमें बहुत सारी उनकी एबिलिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं हम, और सबसे मेन जो हम पढ़ते हैं कि उनकी जो ग्रेटेस्ट मिलिट्री एबिलिटी थी, और सबसे मेन रीज़न यही था उनका रूल करने का, इसी हम पढ़ते आए हैं। मिलिट्री होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, और अगर हम कहीं इस डायनेस्टीज़ की हम बात करें या हम विजयनगर की बात करें तो इनकी एक मिलिट्री पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, वेल ऑर्गेनाइज थी। तो इनकी अब हम कृष्णदेव राय की बात करते हैं कि पोर्तुगीज़ के साथ एक इनके अच्छे संबंध थे, उनमें से जो एक नाम आता है वो सबसे फेमस है वो है इनकी। अगर हम कुछ फीचर्स की बात करें या इनके बारे में बात करें अब, तो ये तुनुवा डायनेस्टी के तो थे ही, जो कि ब्रदर थे वीर नरसिम्हा के। इनकी जो एबिलिटीज़ की अगर हम बात करते हैं अब, इनके फीचर्स की अगर हम बात करें तो मिलिट्री एबिलिटी, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एबिलिटी। ओके, ग्रेट मिलिट्री एबिलिटी यानी सैन्य एक, या हम कहें मिलिट्री बनाने की जो इनकी तकनीक थी, या हम कहें कि इनकी यू नो एक माइंड सेट था वो बहुत ही कमाल का था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो थी इन्वेडिंग बाहमनी रायचूर एंड विदर। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया था, इन्वेड किया था किसको, बाहमनी को। ओके, नेक्स्ट आता है रायचूर एंड विदर। रायचूर से मैंने आपको बताया फर्टाइल रीजन होता था, दोआब रीजन होता था, तो उसे एक तरह से इन्होंने कैप्चर कर लिया था 1520 में, कैप्चर कर लिया था रायचूर को। ये दोआब रीजन था, फर्टाइल रीजन था, इसके ऊपर काफ़ी टाइम से डिस्प्यूट चल रहा था। अच्छा, कृष्णदेव राय के आने से पहले जो रूलर थे, हम कहें कि देव राय टू ने, वो भी काफ़ी ग्रेट रूलर रहे थे, जो हमने पढ़ा संगम डायनेस्टी में, उनसे जो पिछली इससे पिछली डायनेस्टी थी उसके बारे में पढ़ा था। वो भी एक स्ट्रॉन्ग रूलर थे, लेकिन वो बाहमनी पे विजय हासिल नहीं कर पाए थे। अच्छा, उसका एक चीज़ हमने स्किप कर दी कि जो देव राय टू के बारे में हम पढ़ते हैं, उस टाइम पे एक तरह से वो मेनली यही चीज़ थी आपकी कि मतलब उस टाइम पे एक बाहमनी का रोल आता है कि उस पे वो विजय हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो विजय हासिल नहीं कर पाते हैं। तो इनसे आने पहले, यानी कृष्णदेव राय के आने से पहले कोई भी नहीं था जो कि बाहमनी को अपने अंडर में ले सके या कैप्चर कर सके। तो कृष्णदेव राय का यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट रोल है। मिलिट्री हो गई, इन्वेड हो गया, बाहमनी को, रायचूर को, बिदर को, रायचूर को कैप्चर कर लिया था 1520 में। नेक्स्ट हम बात करें इनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की, काफ़ी इंटेलेक्चुअल थे। ओके, नेक्स्ट बात करें तो मुस्लिम जो आर्मीज थी उनको हराया था बैटल ऑफ दीवानी में। इंटेलेक्चुअल थे काफ़ी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मुस्लिम जो आर्मीज थी उस टाइम पे उनको हराया था, डिफीटेड मुस्लिम आर्मीज। इन बैटल ऑफ दीवानी, एक दीवानी बैटल हुआ था, उसमें हराया था, किसने हराया था, कृष्णदेव राय ने, इन बैटल ऑफ दीवानी। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन्होंने तेलंगाना को कॉन्कर कर लिया था, कॉन्कर विजय हासिल की थी किस पर, तेलंगाना पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये थे तो वैष्णव धर्म को मानने वाले, वैष्णवैट थे, जब हमने भक्ति में पढ़ा था वैष्णव और शिव को मानने वाले, क्योंकि साउथ में वैष्णवैट या शैवाइट थे, तो ये वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, लेकिन स्टिल ये सभी रिलीजन्स के प्रति हम कहें कि धर्म निरपेक्ष वाला विचार रखते थे, तो ये बाकी रिलीजन के प्रति भी स्ट्रिक्ट नहीं थे। वैसे ये किसको मानते थे, ये वैष्णव धर्म को मानते थे, वैष्णवैट थे ये। वैष्णव वाइट आप इनको बोल सकते हो। ओके, एंड ये सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट करते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ग्रेट पैटर्न थे आर्ट के, इसीलिए इन्हें आंध्र भोज या हम कहें कि भोज पितामह के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अभिनव भोज, आंध्रा भोज आप लिख सकते हैं, अभी आंध्रा भोज, इनके आर्ट पैटर्न की वजह से इन्हें आंध्रा भोज के नाम से जाना जाता था, या फिर हम कहें कि आंध्रा पितामह।
नेक्स्ट अगर बोले कि जो अभिनव भोज, वो भी इन्हीं को नाम दिया गया है, अभिनव भोज। ओके, आंध्रा भोज, आंध्रा पितामा एंड अभिनव भोज के नाम से किसे जाना गया है? कृष्णदेव राय को जाना गया है। ओके, तो सी आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम इनके फीचर्स की बात करें तो इन्होंने टाइटल युवनाज, युवन राज स्थापना चर्य, युवन राज स्थापना चर्य, यानी एक तरह से जो युवन किंगडम के रिस्टोरर या हम कहें जो अच्छा बिदर जिसका नाम था वो नया नाम था किसका, युवन किंगडम का, एक युवान किंगडम या युवन किंगडम था। ओके, उसको ही नाम दिया गया था बिदर, तो इसका पुराना नाम क्या था, युवान। ओके, तो इन्होंने खुद को टाइटल दिया था युवाना स्थापना चर्या, यानी फिर से इन्होंने स्थापना किसकी की थी, युवान की या हम कहें बिदर की, तो युवाना स्थापना चर्य नाम भी या टाइटल किसको दिया गया था, कृष्णदेव राय को दिया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनका तेलुगु एंड संस्कृत, संस्कृत लिटरेचर में ये स्कॉलर थे या ऑथर थे। ओके, तो ये ऑथर थे किसके, तेलुगु एंड संस्कृत के। इनकी बहुत ही फेमस जो तेलुगु वर्क और संस्कृत वर्क की अगर हम बात करें, तेलुगु की अगर बात करें तो अमुक्ता मल्यादा, अमुक्ता मल्यादा इनका तेलुगु वर्क था। नेक्स्ट, ओके, तो यहाँ से हम रफ करते हैं इनकी, यहाँ पे हमने पढ़ा इंटेलेक्चुअल और मिलिट्री, इसके बाद हम जो नेक्स्ट करेंगे वो होगा इनका लिटरेचर, या हम कहें स्कॉलर थे ये किसमें, तेलुगु एंड संस्कृत में, तेलुगु एंड संस्कृत में ये स्कॉलर थे या हम कहें ऑथर थे, या लिटरेचर वर्क जो इनका देखने को मिलता है वो तेलुगु या संस्कृत में देखने को मिलता है। संस्कृत की, तेलुगु की अगर बात करें तो बहुत ही फेमस बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है, अमुक्ता मल्यादा, अमुक्ता मल्यादा। तेलुगु वर्क अमुक्ता मल्यादा, आई थिंक आपको ओके, अमुक्ता मल्यादा, अमुक्ता मल्यादा तेलुगु वर्क था। अगर हम इनकी संस्कृत की बात करें तो वो था जंबावती कल्याणम, जंबावती कल्याणम इनका संस्कृत वर्क था। जंबावती कल्याणम, तो इनके तेलुगु और संस्कृत वर्क में अमुक्ता मल्यादा तेलुगु वर्क, जंबावती कल्याणम इनका जो था वो था संस्कृत में, यानी इन्होंने लिखा जो ये लिटरेचर जो लिखा था वो था तेलुगु और संस्कृत में, ये नाम आपके सामने है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनका जो और एक इम्पोर्टेंट फीचर निकल के आता है, इन्हीं के राज्य में हम कहें कि अष्टा दिग्गज के नाम से 8 पोएट थे, सेलिब्रेटेड 8 पोएट थे, जिसमें से तेनाली रामन का जो आप नाम सुनते हैं वो कृष्णदेव राय के टाइम पे ही या उनके कोर्ट में ही बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पोएट थे। तो इनके जो हम अष्टा दिग्गज पोएट पढ़ते हैं वो कृष्णदेव राय के में ही पढ़ते हैं, कि इनके 8 पोएट थे इनके कोर्ट में जिन्हें कहा जाता था अष्टा दिग्गज, दिग्गज माने महान, अष्ट माने 8। ओके, तो अष्ट दिग्गजा अष्ट दिग्गज, और उनमें उनके नाम अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले थे पेडाना, सबसे इम्पोर्टेंट है ये पेडाना, अल्लासानी पेडाना नाम था इनका पूरा,
पेडाना, और इन्होंने लिखी थी मनुचरितम, बहुत ही फेमस लिटरेचर है। यहाँ का ये बुक है विजयनगर के ऊपर, पेडाना मनुचरितम। सेकंड की अगर हम बात करें तो वो थे तिमाया, तिमाया। फर्स्ट थे अल्लासानी पेडाना, सेकंड थे तिमाया। उन्होंने जो लिखी है वो लिखी है परिजाता अपहरणनामा, परिजात अपहरणनामा। पेडाना, तिमाया, पेडाना ने मनुचरितम, तिमाया ने परिजात अपहरणनामा। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो वो है भट्टा मूर्ति, थर्ड है भट्टा मूर्ति, भट्टा मूर्ति। नेक्स्ट फोर्थ जो आते हैं वो आते हैं ध्रुवजति, ध्रुवजति फोर्थ है, ध्रुवजति। फर्स्ट अल्लासानी पेडाना, सेकंड तिमाया, थर्ड भट्टा मूर्ति, फोर्थ ध्रुवजति, फिफ्थ की अगर हम बात करें मलान या मलन, मलान। सिक्स की अगर हम बात करें तो राजू रामचंद्र, सिक्स थे राजू रामचंद्र। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेवंथ सुरोना, सेवंथ थे सुरोना। एंड एट्थ जो कि काफी फेमस रहे हैं तेनाली रामकृष्णा। ओके, तो उनका जो पूरा नाम था वो था तेनाली रामकृष्णा, यानी तेनाली रामन, तेनाली रामकृष्णा। ओके, तेनाली रामकृष्णा। तो अष्टदिग्गज किसके, जो आठ पॉइंट थे सेलिब्रेटेड, वो किसके राज में हुए हैं, कृष्णदेव राय के टाइम पे। एंड उनके नाम थे अल्लासानी पेडाना, जिन्होंने मनुचरितम लिखी है, फिर लिखी थी परिजाता अपहरणनामा, किसने लिखी थी तिमाया ने, भट्टा मूर्ति थर्ड इनके, फोर्थ ध्रुवजति, मलान फिफ्थ, सिक्स्थ की अगर हम बात करें तो राजू रामचंद्रा, सेवन्थ सुरोना, आठ तेनाली रामकृष्णा। ये आठ दिग्गज इनके पोएट हुए, किसके, कृष्णदेव राय के। इनके बारे में अगर हम और बात करें तो राय गोपुरम स्टाइल, यानी टेंपल स्टाइल जो बनवाया था वो कृष्णदेव राय ने ही बनवाया था। एंड उसमें जो सबसे मेन था वो मंडप सिस्टम हम कहें कि, या गोपुरम जो होते थे गेट होते थे, बहुत लार्ज मतलब गेट होते थे टेंपल्स के, उन्हें एक तरह से गोपुरम कहा जाता था। द्रविड़ स्टाइल में, द्रविड़ से हमने पढ़ा था, नगारा और द्रविड़ स्टाइल टेंपल पढ़ चुके हैं हम, तो द्रविड़ जो साउथ के जो टेंपल स्टाइल था उन्हें द्रविड़ कहा जाता है, नगारा जो नॉर्थ वाले थे उन्हें कहा जाता है, और उसी में द्रविड़ में ही गोपुरम पढ़ते हैं जो कि लार्ज गेटवे होते थे इसके टेंपल्स के। तो राय गोपुरम, राय तो इनके नाम के पीछे था ही, तो एक तरह से गोपुरम के साथ जो राय लगाया हुआ है, तो राय गोपुरम किसने बनवाए थे, ये कृष्णदेव राय ने। इनके जो अगर हम बात करें कि राय गोपुरम के अलावा जो फेमस वर्क रहा है या टेंपल रहे हैं, एक तो विट्ठल स्वामी टेंपल, एक हजारा राम स्वामी टेंपल। विट्ठल स्वामी टेंपल अगर किसी ने बनवाया है तो कृष्णदेव राय ने। एंड नेक्स्ट जो हजारा राम स्वामी टेंपल था वो भी किसने बनवाया, कृष्णदेव राय ने। तो इनका राय गोपुरम, राय गोपुरम, सी गोपुरम गेट को कहा जाता था जो लार्ज गेट होते थे। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें जो इनका टेंपल स्टाइल, जो टेंपल बनवाए इन्होंने फेमस, वो थे एक तो विट्ठल स्वामी टेंपल, विट्ठल स्वामी टेंपल। नेक्स्ट था हजारा राम स्वामी टेंपल, हजारा राम स्वामी टेंपल। हजारा रामस्वामी टेंपल, और भी टेंपल्स बने हैं लेकिन जो इनके टाइम पे बने या इन्होंने जो बनवाए हैं वो ये थे। ओके, एक विजय महल भी बनवाया था इन्होंने जिसे हाउस ऑफ विक्ट्री कहा जाता था, विजय महल, हाउस ऑफ विक्ट्री जिसे कहा जाता था, विजय महल।
विजय महल। क्या कहा जाता था इसे? महल ऑफ विक्ट्री, ओके, या हाउस ऑफ विक्ट्री, ओके। जब इनके टाइम पे एक अल्बुकरीक नाम के जो पोर्तुगीज गवर्नर आए थे, उनके टाइम पे एक ना हम कहें कि ट्रेवलर आए थे या हम कहें एम्बेसडर थे, वो थे फ्रायर लुइस। अल्बुकरीक जो इनके टाइम पे आए थे, गवर्नर थे पोर्तुगीज, उन्हीं के टाइम पे एक एम्बेसडर थे फेमस, वो थे फ्रायर लुइस। फ्रायर लुइस ये अल्बुकरीक के टाइम पे एम्बेसडर आए थे, ओके, और उनके साथ गवर्नर के साथ रिलेशन किसके थे? कृष्णदेव राय के, ओके। ओके, इसके साथ ही इन्होंने कुछ और भी काम किया था, लाइक न्यू सिटी बनवाई थी नागलापुरम, ओके, नागलापुरम, न्यू सिटी नागलापुरम, वो भी किसने बनवाई थी? कृष्णदेव राय ने, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राय गोपुरम हो गया, एंड देन जो नेक्स्ट अगर हम इनकी बात करें तो ये ग्रेट पैटर्न तो थे ही आर्ट के, और एक मेटल कि अगर हम बात करें कि मेटल के बारे में आप देखते हैं तो वो इन्हीं के टाइम पे देखते हैं मेनली, हम आई मीन जो मेटल वर्क था तो उनमें इनकी जो इमेजेस है इनकी और इनकी वाइफ की, वो आप इसके टाइम पे ही देखते हैं, ओके। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, सो नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी का। जो हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसे फोर पार्ट में डिवाइड करते हैं, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमी एंड जो एडमिनिस्ट्रेटर पार्ट है, ओके। लेकिन उससे पहले हम ना जो हमारी फोर्थ डायनेस्टी है वो कवर कर लेते हैं, देन हम विजयनगर का एक ओवरऑल जो सोशल, नेक्स्ट इकोनॉमी या हम कहें एडमिनिस्ट्रेटर जो पार्ट है वो वाला कवर करेंगे, ओके। आई थिंक आपको ये सब क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। कृष्णदेव राय को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है विजयनगर की, यू नो, एम्पायर को बढ़ाने में, किंगडम को बढ़ाने में, सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, तो इन्हें कवर किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, ओके। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो फोर्थ डायनेस्टी जो हमारी अगली डायनेस्टी है हम उसके बारे में पढ़ते हैं, और वो हमारी जो डायनेस्टी थी वो थी नेक्स्ट हम अराविडु के बारे में पढ़ते हैं, ओके। तो इनके फाउंडर हमने पढ़े तिरुमाला थे। नेक्स्ट इनके बारे में जो हम पढ़ते हैं, सबसे मेन है वो फोर यूनिट्स में इन्हें डिवाइड किया गया था, ओके। किस में डिवाइड किया गया था? फोर यूनिट्स में डिवाइड किया गया था। तो फर्स्ट थे जो वो थे प्रोविंस, यानी जिसे एक मतलब प्रोविंस जिसे कहा जाता था, उसके बाद कहा जाता था डिस्ट्रिक्ट, इन्हें मंडलम कहा जाता था, मंडलम। सी अभी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है जो कि हम इस डायनेस्टी की बात कवर करेंगे, तो मंडलम जिसे प्रोविंस कहा जाता था, ओके। सेकंड था नाडू, इसकी ये फोर यूनिट है, ओके, फोर यूनिट में डिवाइड किया गया था अराविडु डायनेस्टी को। फर्स्ट थी मंडलम जिसे जो प्रोविंस कहा जाता था, नाडू जिसे डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था, डिस्ट्रिक्ट। थर्ड की अगर हम बात करें तो वो है स्थल, थर्ड स्थल, स्थला, एंड फोर्थ हमारे ग्राम या विलेज, स्थला, ओके, एंड फोर्थ जो थे वो थे ग्राम, यहीं भी लिख लीजिए ग्राम, विलेज, ग्राम यानी विलेज। तो चार यूनिट थी इसकी डायनेस्टी की, ओके। मंडलम किसे कहा जाता था? प्रोविंस को कहा जाता था,
नेक्स्ट था नाडूज, डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता था स्थल, ओके स्थल, ग्राम की अगर बात करें तो विलेज को कहा जाता था। तो जो गवर्नर होते थे मंडलम के, उन्हें कहा जाता था मंडलेश्वर या नायक। मंडलम के जो नायक या हम कहें गवर्नर जो होते थे उन्हें कहा जाता था इनके गवर्नर को मंडलेश्वर या फिर नायक। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो डिस्ट्रिक्ट के थे उन्हें नाडू प्रभु कहा जाता था। इनके जो गवर्नर थे उन्हें नाडू प्रभु कहा जाता था, नाडू प्रभु। जो मंडलम के गवर्नर थे उन्हें मंडलेश्वर या नायक कहा जाता था। नाडू के जो थे उन्हें नाडू प्रभु कहा जाता था। अगर हम फोर्थ की बात करें तो गोड, ग्राम, सी ग्राम के जो गवर्नर या ग्राम को जो संभालते थे उन्हें गोड कहा जाता था। ओके, गोड़ा या गोड। एंड अगर नेक्स्ट की बात करें, एक सिस्टम था नयंकार सिस्टम। नयंकार सिस्टम किसके बारे में था? वो था प्रोविंस के बारे में, मंडल के बारे में जो एक सिस्टम चला गया था उसे नयंकार सिस्टम कहा जाता था। तो नयंकार सिस्टम अगर आप पढ़ते हैं तो वो किससे रिलेटेड है? मंडलम से रिलेटेड है नयंकार सिस्टम। ओके, जो मंडल से रिलेटेड या प्रोविंस से रिलेटेड था वो नयंकार सिस्टम था, कैसे इनको चलाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक और सिस्टम था अयंकार या अयंकार सिस्टम। वो आपका किससे रिलेटेड था? विलेज से रिलेटेड था, अयंकार या अयंगर। एक था नयंकार या नयंकर सिस्टम, वो था प्रोविंस यानी मंडलम से रिलेटेड कि कैसे उनको चलाना है। नेक्स्ट था अयंगार सिस्टम या अयंगर सिस्टम जो कि ग्राम या विलेज से रिलेटेड था और उनके गवर्नर को कहा जाता था गौड या गौड़ा। ओके, अच्छा वन मोर थिंग कि जो ये डायनेस्टी थी अरावीडु, क्योंकि एंड डायनेस्टी रही है, लास्ट पार्ट रहा है, तो इसका एक और इम्पोर्टेंट रोल आता है कि ये ना लैंड रेवेन्यू सिस्टम था यहाँ पे, और इसमें 1/6 जो भी प्रोड्यूस करते थे वो देना पड़ता था लैंड का पार्ट। ओके, तो लैंड का 1/6 पार्ट इन्हें देना पड़ता था, जो भी वो प्रोड्यूस करेंगे उनका 1/6। ऐसा नहीं था कि फ्री टैक्स नहीं था, टैक्स फ्री लैंड भी थी, लेकिन उसका जो वो जो कहा जाता था या टैक्स फ्री लैंड को एक नाम दिया गया था उसे कहा गया था मनियम्स। जो टैक्स दिया जाता था या रेवेन्यू दिया जाता था लैंड का उसे का वो 1/6 होता था जो भी प्रोड्यूस करेंगे, और जो लैंड या टैक्स फ्री जो लैंड होती थी उसे नाम दिया गया था मनियम्स। मनियम्स जो फ्री टैक्स लैंड या टैक्स फ्री लैंड जो होती थी उसे मनियम्स कहा गया है। एंड वैसे ये 1/6 इन्हें देना पड़ता था किसका? लैंड का, जो ये जो भी प्रोड्यूस करेंगे उसका 1/6 उन्हें देना पड़ता था। ओके, 1/6। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब हम अगली जो मेन टर्म हम बात करते हैं, इसके साथ ही हम कर लेते हैं कि जो विजयनगर के जो गोल्ड कॉइन्स वगैरह थे वहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स वगैरह भी बने हैं। किसी वो कल्चरल का पार्ट है तो उसी अब इसकी जो एक हमारी जो नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम कल्चरल और इकोनॉमी का पार्ट है वो वाला देखते हैं। तो यहाँ तक हमारी जो 4 डायनेस्टीज हमने पढ़ी वो यहाँ तक थी विजयनगर की। अब नेक्स्ट जो हम पार्ट करेंगे सोशल एडमिनिस्ट्रेशन एंड विजयनगर सॉरी इकोनॉमी का पार्ट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यू कांट स्किप दैट। ओके, कृष्ण देव राय के बाद ऐसा नहीं था कि सीधा ये डायनेस्टी आ गई थी, उन्होंने अपने भाई को अगला जो रूलर बनाया था लेकिन वो उतने टाइम तक नहीं रह पाए थे एंड उसके बाद ये नेक्स्ट डायनेस्टी आ गई थी। ओके, तो अच्छा एक और आता है कि विजयनगर का एक जो एंड होता है, एक बहुत ही मेन युद्ध होता है तालीकोटा युद्ध, 1565 में होता है तालीकोटा युद्ध, जिसे राक्षसा तांगड़ी भी कहा गया है, राक्षसा तांगड़ी भी कहा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए तालीकोटा, तो ये इसी टाइम पे हुआ था, तालीकोटा 1565 में हुआ था, इसे ही
रक्षसा तांगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे ही एक तरह से विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन यहाँ पे माना जाता है, होना शुरू हो गया था। एंड यू नो मुगल्स की एंट्री हो गई थी एंड धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत पे हम कहीं के साउथ तक भी वो आ गए थे। ओके तो तलाई कोटा, बैटल ऑफ तलाई कोटा, बैटल ऑफ तलाई कोटा, इसे ही रक्षसा तांगड़ी के नाम से जाना जाता है, रक्षसा तांगड़ी। तो लास्ट रूलर अगर हम कहें तो श्रीरंगा थर्ड जो थे वो लास्ट रूलर थे विजयनगर के, श्रीरंगा थर्ड। ओके तो यहाँ से जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है, नेक्स्ट हम जो पार्ट करते हैं वो कल्चरल पार्ट करते हैं। सी हमने पॉलिटिकल पार्ट किया है एंड इसके बाद ही अगर हम बात करें कुमार कंपन जो थे मधुर विजयम, कुमार कंपन एक लिख लो आप, कुमार कंपन की एक बुक है मधुर विजयम, मधुर विजयम जहाँ कहे कि इनका एक्सपेडिशन होता है तो उसके बारे में, जो मदुराई के बारे में, उसकी डिस्ट्रिक्शन के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो मधुर विजयम में पढ़ते हैं। ओके बाद में जब उन्होंने होयसाला या हम कहें मैसूर, होयसाला को हराने के बाद से जो उनका किंगडम था वो भी अपने में मिला लिया था एंड ओके और एक तरह से फिर जो विजयनगर की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे बना था, तुंगभद्रा के साउथ बैंक पे, तुंगभद्रा जो रिवर थी साउथ बैंक पे बनाया था एंड वहाँ से लेके रामेश्वरम तक, जहाँ से आपको पता है कि श्रीलंका का हमारा जो आप पुल देखते हैं तो एक या हम कहें कि जॉइंट देखते हैं तो वहीं से है। तो रामेश्वरम यानी तुंगभद्रा के साउथ बैंक से लेके रामेश्वरम तक का जितना भी साउथ पार्ट था वो सारा विजयनगर का पार्ट बन चुका था। ओके 10 सालों में ही आने वाले यानी 1336 में ये स्टार्ट हुआ था, 1346 में पूरा यानी एक तरह से काफ़ी हद तक इन्होंने अपने में जो बाकी पार्ट थे वो मिला लिए थे। ओके जो होयसाला का जो किंगडम था वो भी अपने पार्ट में मिला लिया था। नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं एक सोशल लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, देन हम कल्चर पढ़ेंगे, देन हम इकोनॉमी पढ़ेंगे। सी सोशल लाइफ की बात करते हैं, सोशल लाइफ के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे जो सोशल लाइफ थी वो क्या थी कि वहाँ पे पिडाना जो उनके अष्ट दिग्गज एक पोइट थे अल्लाह सानी पिडाना, उन्होंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन किए हैं या हम कहें कि कुछ जो ट्रैवलर थे उन्होंने बताया है कि उस टाइम पे क्या क्या सिस्टम था या सोशल लाइफ कैसी थी, तो उसके बारे में हमें पता चलता है। अगर इसी की बात करें तो कास्टिज़म सिस्टम, अल्लाह सानी पिडाना ने वहाँ पे कास्टिज़म के बारे में एक्सप्लेन किया है और वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि 4 कास्ट में डिवाइड किया गया था, वही थी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्याज एंड शूद्रास। तो कास्टिज्म सिस्टम के बारे में बताया है अल्लाह सानी पिडाना ने, ये सोशल लाइफ के अंडर आता है। ओके 4 कास्ट ब्राह्मण क्षत्रिय क्षत्रियास, नेक्स्ट आती है वैश्याज एंड शूद्रास, यानी कास्टिज्म के बारे में पढ़ते हैं आप यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिल्क और कॉटन बहुत ही फेमस प्रोड्यूस, अगर हम कहें कि एक्सपोर्ट भी की जाती थी या यूज़ की जाती तो सिल्क और कॉटन ज़्यादातर यूज़ किए जाते थे, उनकी ड्रेसेस यूज़ की जाती थी, उसके अलावा फ्लावर्स हो गए, ऑर्नामेंट हो गए एंड परफ्यूम्स वगैरह हो गए वो भी यूज़ किए जाते थे। ओके ऑर्नामेंट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए एंड परफ्यूम्स एंड सिल्क एंड कॉटन मेजरली यूज़ होता था, सिल्क एंड कॉटन क्लोथ्स एंड फ्लावर्स ऑर्नामेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें परफ्यूम्स फ्लावर्स। ओके नेक्स्ट अगर हम बात करें पेस, डोमिंगो पेस जो कि ट्रैवलर थे उन्होंने बताया है कि यहाँ पे कुछ सिस्टम से लाइक उन्होंने
मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे रिच हाउसेस थे, तो साथ ही देवदासी सॉरी सर्वेंट्स भी थे, हाउस होल्ड सर्वेंट्स भी थे। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि रिच हाउसेस बने हुए थे पेस ने, एंड उसके अलावा यहाँ पे सर्वेंट सिस्टम भी था। इसके अलावा अगर हम मुनीस की बात करें, सॉरी निकोला पोंटी की बात करें, तो उन्होंने बहुत सारे टर्म्स रेफर किया कि यहाँ पे डांसिंग, म्यूजिक, स्लेवरी, रेसलिंग, गैम्बलिंग, कॉक फाइटिंग, तो बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो वो उन्होंने अपनी बुक में, या हम कहें कि ट्रैवल के टाइम पे उन्होंने इसके बारे में काफ़ी कुछ जाना था। तो यहाँ पे डांसिंग, म्यूजिक, रेसलिंग, गैम्बलिंग एंड कोक फाइटिंग के बारे में जो निकोला दी कोंटी थे उन्होंने बताया है, जो कि एक ट्रैवलर थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो संगम रूलर थे, नाउ हम विजयनगर की सोशल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, जो संगम जो रूलर थे वो मेजरली शैवाइट थे, और जो उनके चीफ डाइटी या ईस्ट देव होते थे उन्हें विरूपक्ष कहा जाता था। चीफ जो डाइटी होते थे उन्हें विरूपक्ष कहा जाता था, और वो शैवाइट थे, और जो बाकी जो थे वो ज़्यादातर वैष्णव, या हम कहिए वैष्णनेट थे, या विष्णु धर्म को मानते थे। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो श्री वैष्णविज्म ऑफ रामानुजा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था, क्योंकि विष्णु धर्म को ज़्यादा मानते थे, एंड विष्णु धर्म को मानने वाले थे रामानुजा, तो उनको एक तरह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। सी शैवाइट को तो मानते ही थे, साथ में विष्णु को भी मानते थे जो बाकी रूलर्स थे, तो इसलिए ये रामानुजा को वहाँ पे उस टाइम पे बहुत ही माना जाता था। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ यू नो गुड पॉइंट्स भी निकल के आते हैं कि काफ़ी सभी रिलीजन के लिए ये बहुत पोलाइट थे, स्ट्रिक्ट नहीं थे। बारबोसा एक हम ट्रैवलर है जो कि रेफ़र करते हैं कि सभी रिलीजन के लिए वो वर्शिप कर सकते थे। मुस्लिम को एम्प्लॉयमेंट दी जाती थी, उन्हें वर्शिप करने का हक था, वो मॉस्क्यू यानी मस्जिद वगैरह बना सकते थे। एंड उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो एक तरह से स्ट्रिक्ट नहीं थे, सभी रिलीजन्स को वो एक्सेप्ट करते थे। ओके, तो फ्रीडम थी उन्हें अपना एक वो एक्सप्रेस कर सकते थे, फ्रीडम थी उन्हें वर्शिप करने की, फ्रीडम थी, मॉस्क्यू बना सकते थे, तो ये एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे टेंपल्स यहाँ पे बनाए गए थे, बहुत सारे फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एपिक और पुराण बहुत ज़्यादा फेमस थी, और यही रीज़न है कि महाभारत और रामायण की जो स्टोरीज़ है वो मेंशन की गई है वॉल्स पे। ओके, यानी जो दीवारें हैं उन पे, जो टेंपल्स की दीवारें थी वहाँ पे वॉल्स, उनकी वॉल्स पे रामायण और महाभारत की स्टोरीज लिखी गई है, क्योंकि एपिक और पुराण को बहुत ज़्यादा वो माना करते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ इसकी लिमिटेशंस भी है, एंड अच्छी बात भी है कि वहाँ पे विमेंस की एक तरह से कंडीशन दिखाया गया है कि काफ़ी इम्प्रूव थी, लेकिन वहीं एक देखने को भी मिला है कि उतनी कंडीशन इम्प्रूव नहीं थी। तो अगर हम कहीं इम्प्रूवमेंट की बात करें तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट दी जाती थी, उन्हें कोर्ट में एक तरह से एम्प्लॉयज़ बनाया जाता था, या हम कहें कि यू नो एज ए सर्वेंट भी थे वो, यानी एम्प्लॉयमेंट ही थी उनके पास। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उन्हें डांसिंग गर्ल, यानी एक तरह से डांस म्यूज़िक में भी रखा जाता था। दूसरा, अगर डांसिंग गर्ल्स की अगर हम बात करें, जो टेम्पल्स है तो टेम्पल्स पे जो डिज़ाइन बनाए जाते थे उसमें डांसिंग गर्ल्स भी के भी डिज़ाइन बनाए जाते थे। ओके, तो यही एक रीज़न भी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उन्होंने विमेंस को ऐसा नहीं है कि पावर नहीं दी थी, उन्होंने पोइट भी थे, बहुत ही फेमस एक पोइट हुई है गंगा देवी। ओके, जो वाइफ थी किसकी, हम पढ़ चुके हैं कुमार कंपाना। ओके, जिन्होंने बुक लिखी थी, कुमार कंपाना की वाइफ थी गंगा देवी, उन्होंने बहुत ही फेमस उनका वर्क है मधुर विजयम। ओके, मधुर विजयम, तो उनमें उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत फेमस रही है, वो भी एक विमेन थी, तो यानी वहाँ पे पोइट वगैरह भी थी। एंड उसके बाद अगर हम बात करें एक यू नो ड्रॉबैक की या लिमिटेशन की या विमेंस की हालत की, तो सी जो सती प्रथा थी उसे ऑनर किया जाता था, पॉलीगैमी थी, यानी एक से ज़्यादा मैरिज अलाउ थी, सती प्रथा को बहुत माना जाता था। उसके अलावा अगर हम कहें देवदासी सिस्टम, नुनिस ने बहुत सारे सिस्टम के बारे में बताया। अगर हम पेस की बात करें, डोमिंगो पेस जो कि एक ट्रैवलर थे, उन्होंने अपनी बुक में बताया है कि यहाँ पे सती प्रथा को बहुत माना जाता था, देवदासी सिस्टम था, एंड पॉलीगैमी सिस्टम यानी एक से ज़्यादा मैरिज का रिवाज भी था। ओके, और जो आप डांसिंग गर्ल, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आप देखें तो नुनिस ने बताया है कि डांसिंग गर्ल या टेम्पल्स के साथ जो डांसिंग गर्ल्स बनाई जाती थी वो मुनीस की बुक से, या हम कहें उनके ट्रैवल के बाद ये चीज़ पता चलती है। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सी दो पार्ट है, हम उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाए, तो इसलिए मैं चाहती हूँ यहाँ पे कवर कर लेते हैं।
इकोनॉमिक कंडीशन एंड नेक्स्ट आता है हमारा कल्चर. एक्चुअली आई थिंक अब हमें नेक्स्ट पार्ट में कवर करना चाहिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी. तो हम जो नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे वो हमारा इकॉनमी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विजयनगर की, यू कॉन्ट स्किप दैट. और उसके बाद जो कल्चरल डेवलपमेंट, अगर हम कहें जो टेम्पल स्टाइल हमारा रहता है वो इसी में रहता है, वो कल्चरल डेवलपमेंट का ही पार्ट है. जो आप मंडप्स वगैरह पढ़ते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. और उसी के साथ ही हम बाहमनी किंगडम को भी कवर करेंगे. तो ये प्लीज़, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो डोंट स्किप इट. एंड नेक्स्ट वीडियो हम पार्ट लेके आएंगे जल्दी ही, तो आप इसे देखिए तब तक, ओके. और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू इट, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट, प्लीज़ शेयर इट, ताकि ये और स्टूडेंट तक भी पहुँच सके. थैंक यू सो मच.